हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 अपन ने की थी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो क्या है वो अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहला कॉन्सेप्ट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे इस चैप्टर का थ्योरम नंबर टू। इस चैप्टर का थ्योरम नंबर टू क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से करते आ रहे हो, बस इसको समझना है। ठीक है, यूक्लिडियन लेमा क्या था? डिवीजन था बस। ठीक है, वैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ नहीं है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसके लिए पहले समझना पड़ेगा तुमको कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बेसिक्स में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर टू में देखिए ना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो मतलब ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने वाले लोगों की संख्या दो से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा नंबर जिनको मैं दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। क्या बोल रहे हो सर, समझते ही नहीं हम लोग। ठीक है, देखो कंपोजिट नंबर होता है जैसे कि 4। ठीक है, 4, 4 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हो? सर 4 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। गुड, 4 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। गुड, 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 4। ठीक है, तो 4 को अपन कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, दो इंग्लिश में क्यों लिख दिए सर? दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 6, 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। ठीक है, तो इसके चार फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। गुड। ठीक है, अब अगला प्राइम नंबर। ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं मतलब उनको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही नंबर है। ठीक है, कौन कौन? एक तो 1 और दूसरा वो खुद, जैसे कि 2। 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है और 2 डिवाइड करता है, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। सर डिवाइड तो मैं कर दूंगा, सर 3 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। अरे पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करने मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 3 1 से और 3 से। ठीक है, 5 1 से और 5 से। ठीक है, 7 1 से और 7 से। 19 1 से और 19 से। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो सर 1 1 1 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 बस। ठीक है सर, 1 किस में डालूं? कंपोजिट में डालूं कि प्राइम में डालूं? सर 1 1 1 किस में डालूं? कंपोजिट में डालूं कि प्राइम में डालूं? 1 ना तो कंपोजिट में जाएगा ना तो प्राइम में जाएगा, क्योंकि वो दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर, सर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर। ठीक है, और जिसके सिर्फ जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर। और 1 बेचारा डेफिनेशन का हमारा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 किसी का सगा नहीं है, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब चालू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है?
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पहले अपन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? एवरी कंपोजिट बुक की डेफिनेशन लिख देते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, बोल रहा है, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique, ठीक है, and this factorization is unique, ठीक है, ये factorization क्या होगा? Unique होगा, ठीक है, ठीक है, if order is not important, ठीक है, मतलब क्या होगा? एवरी मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में अपन लिख सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 18 ले लिया मान में, ठीक है, 18 क्या कंपोजिट नंबर है? हाँ सर, ये 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 9 से भी जाता है, 18 से भी जाता है, सर ये तो कंपोजिट ही होगा, ये है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले 18 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है? 9, 9 को 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, फिर अगला प्राइम कौन सा है? 3, तो 3 से डिवाइड किया तो फिर 3 आया, और 3 को फिर से किया तो 1 आया, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, यस 18 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन क्या बोली? किसी भी कंपोजिट नंबर को तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो, कंपोजिट नंबर है उसको अपन ने क्या किया? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, समझ में आया? ठीक है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत में? ठीक है, अच्छा ठीक है, और क्या बोल रहा है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक मतलब अलग, ठीक है, हटके, ठीक है, मतलब जब भी 18 को फैक्टराइज करोगे ना, जब भी 18 को फैक्टराइज करोगे ना, तो तुमको यही मिलेगा। ठीक है, चाहे यहां करो पाकिस्तान में, चाहे चाइना का नाम मत लेना सर, ठीक है, ठीक है, मतलब सॉरी चाइना में नहीं लेता सर, ठीक है, तो इंडिया में करो, पाकिस्तान में करो, अमेरिका में करो, ठीक है, कहीं पे भी करो, ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हर कोई क्या करेगा? यही करेगा। ठीक है, और दुनिया में कोई सा भी नंबर उठाओ, दुनिया में कोई सा भी नंबर उठाओ, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा, 1-3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1-2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर उठा लो, उसमें एग्जैक्टली ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे 36 का करूंगा तो 36 का होगा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, ये तो आ रहा है, लेकिन ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है, समझ में? तो 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो दुनिया में किसी नंबर का नहीं होगा, समझ में आएंगे? ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो? फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा, क्लियर है ये? और एक चीज देखिए, इफ ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कई लोग तुम बोलोगे सर 3 पहले लिखूंगा सर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, तो जो कि क्या होगा? गलत होगा, समझ में आएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत में? तो ये हो गया ऑर्डर, अगर इंपॉर्टेंट नहीं, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, ये और ये चीज सेम है, ठीक है, तो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा, समझ में आएंगे? कोई दिक्कत में? ठीक है, तो दिक्कत तो ऐसे पूछते था जैसे वीडियो में बता दो गया। अच्छा, तो यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, 18 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिख सकता हूं, 18 = 2 × 3 square, ठीक है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकता हूं? 2 square × 3 square, क्लियर है?
ठीक है, तो दुनिया का कोई सा भी नंबर उठाओ उसको तुम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना? ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी मेथड से अपन निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एचसीएम निकालेंगे। अरे यूनिट से निकालना सिखा दिए ना? हाँ सिखा दिए, वो बड़े नंबरों के लिए अच्छा है, छोटे नंबर के लिए ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मान लो अपन निकालते हैं 135 और 225, 135 और 225। ठीक है, 135 को क्या करूंगा, ये जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 4 12, 1 बचा। ठीक है, 5 15, 45। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 1। तो 135 को प्राइम फैक्टर इसमें क्या हो गया, 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, अब अपन क्या निकालना सीख रहे हैं, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ निकालना सीख रहे हैं, किसका किसका, 135 एंड 225। ठीक है, तो अभी अपन एच सी एफ निकालना सीख रहे हैं, कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर ये आता है हमको, अब फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये 3 से है, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 8 16 6, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 से जाएगा, 5 1 5। ठीक, तो 225 को क्या लिख सकते हो, 225 को लिख सकते हो 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो क्या करते थे तुम लोग, दोनों में जो जो है उसको लिखते थे ऐसे, जूम बोला, जूम जूम। ठीक है, तो ये बोला पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एक एक बार लिख दोगे। ठीक है, एक बार ठीक है, जूम। ठीक है, तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3 × 3 × 5, यानी कि 9 × 5, यानी कि 45। तो एचसीएफ क्या हो गया, 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो गया, 45। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 45। ठीक है, समझ में आ गया एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये तो बच्चों वाला तरीका हो गया, ये तुम्हें पहले चार्ट करना है। ठीक है, फिर से 135 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3³ × 5, और 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3² × 5² ठीक है, 3² × 5² तो ये हो गया। 135 क्या, 1 2 3, 3³ और 1 5, और 2 3 और 2 5, तो 3² 5² ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा ये, चाहे दुनिया में कोई सा भी नंबर हो तुम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ 135, 225, एच सी एफ क्या होगा, जो जो कॉमन है, ध्यान से सुनना, ये शब्दों को ध्यान से सुनना, जो जो दोनों में है उसको लिख दो। दोनों में क्या क्या है, दोनों में 3 है, दोनों में 5 है, लिख दिया। ठीक है, दोनों में जो जो है, ठीक है, कॉमन ना, दोनों में जो जो कॉमन है, ठीक है, दोनों में क्या क्या कॉमन है वो लिखो। ठीक है, तो क्या क्या, 3 है और 5 है। ठीक है, अब ये इसका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उस तब समझ में आएगा ऐसा करके बोला। ठीक है, तो दोनों में जो जो है उस कॉमन है उसको एक बार लिखो, समझ में आए, दोनों में जो जो कॉमन है। ठीक है, सब कॉमन पार्ट ध्यान से सुनना। ठीक है, और उनकी मिनिमम पावर डालो, और उनकी मिनिमम पावर डाल दो। ठीक है, तो 3 की मिनिमम पावर 3 और 2 में छोटा कौन है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2, और 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1। समझ में आएंगे? ठीक है, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है सर, वही इतनी मेहनत क्यों करवाए, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास दुनिया में दो नंबर है, एक्स और वाई। एक्स है मेरा ए क्यूब बी स्क्वायर सी डी की पावर 4, और ये ए बी क्यूब सी क्यूब डी 3e की पावर 4। ठीक है, ये ठीक है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है एमसीएट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, तो तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बोल रहा है कि दुनिया में दो नंबर है एक्स और वाई, जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन है ए बी सी डी और ई। ठीक है, एक्स ये दिया हुआ, वाई ये दिया हुआ, और बोल रहा है फाइंड एचसीएफ ऑफ
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एचसीएफ निकालो, ठीक है, एक्स एक्स और वाई का एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बोला था मैं, जो जो दोनों में कॉमन है उसको लिख दो, ठीक है, दोनों में ए है, दोनों में बी है, दोनों में सी है, दोनों में डी है, लेकिन ई नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ई दोनों में नहीं है, समझ में आई है, ठीक है, ई दोनों में नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। अब जो मिनिमम पावर है वो डाल दो, तो ए में मिनिमम पावर माने थ्री है, वन है, ठीक है, बी में मिनिमम पावर क्या है, टू है कि थ्री है, टू है, सी में मिनिमम पावर वन है कि थ्री है, वन है, डी में मिनिमम पावर थ्री है कि फोर है, थ्री है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर सी डी क्यू, समझ में आया, मगज में आया, सॉरी समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या हो गया, एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया स्टेप वन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सेकेंड, पहला है डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड, ठीक है, राइट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, थर्ड रेज देम विथ मिनिमम पावर्स, ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर करो, फिर जो जो कॉमन है वो लिखो, फिर जो मिनिमम पावर है उसे रेज करो, क्लियर है, वो डालो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई इशू, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी कोई इशू होगी तो वीडियो पीछे करना, फिर से बनाओ, फिर से पढ़ो, ठीक है, एकदम मस्त चीज है, सिंपल चीज है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दिस इज हाउ टू फाइंड एच सी एफ, हाउ टू फाइंड एच सी एफ, एच सी एफ कैसे निकालना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 135 टू 225 का एलसीएम निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, देखो 135, 225 ऐसे निकालते ना, जूम जूम, ठीक है, घटिया चीज, ठीक, तो थ्री थ्री फोर दैट 12 वन फाइव, थ्री सेवन दैट 21 वन फाइव, फिर थ्री सेवन थ्री वन दैट थ्री, थ्री फाइव दैट 15, फिर थ्री टू दैट सिक्स, थ्री फाइव दैट टू दैट 15, ठीक है, फिर थ्री सिक्स जाएगा, थ्री फाइव दैट 15 25 जी, फिर फाइव से जाएगा, फाइव वन दैट 5, ठीक है, फिर फाइव से जाएगा वन वन, ठीक है, ऐसे निकाल दो, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है, तो हो जाएगा थ्री थ्री जै नाइन, नाइन थ्री जै 27 इंटू 25, ठीक है, 27 इंटू 25 में रात और ऐड कर दो 675 पे आ जाएगा तुम्हारा 675, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, समझ में आया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना, ठीक है। अब ये भी लंबा टास्क हो गया, ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं एलसीएम निकालने का, सेम चीज, पहले उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, प्राइम फैक्टर निकल गया, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, उसका उल्टा कर देना, ठीक है, क्या कॉमन चीजें बोला था, इसमें सब चीजें लिखना है, सब मतलब थ्री भी आएगा और फाइव भी आएगा, ठीक है, और मिनिमम पावर बोला था एचसीएफ में, एलसीएम में मैक्सिमम पावर करना है, ठीक है, एलसीएम में जो जो आ रहा है सब लिख दो, क्या क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, फाइव आ रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम पावर, तो थ्री की मैक्सिमम पावर क्या होगी, थ्री, फाइव की मैक्सिमम पावर क्या हुआ, टू, तो कितना आएगा, थ्री क्यूब फाइव स्क्वायर, थ्री क्यूब फाइव स्क्वायर, आ गया, काम खत्म, पैसा हरम, ठीक है। अब फिर से एक्स
बी स्क्वायर सी डी की पावर 4 वाई ए बी क्यूब सी की पावर 3 डी 3 ई की पावर 4 ये है। तो अब बोल रहे फाइनल एलसीएम और एक्सएमएल, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा, जो जो आ रहा है सभी पार्टिक दें, कौन कौन आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है। मैंने कॉमन नहीं बोला, मैंने कॉमन नहीं बोला, मैंने बोला जो जो आ रहा है सब लिख दो, तो सब लिख दिया। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर डाल दो, ए में 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम, समझ में आएंगे। तो 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, हमेशा ये फॉर्मेट करना है। ठीक है, 4 में जो कॉमन होगा वो लिख देना और मिनिमम पावर चढ़ा देना, तो चारों का क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, चारों में जो जो है सब लिख देना और मैक्सिमम पावर डाल देना, तो क्या मिल जाएगा तुमको, एलसीएम मिल जाएगा। समझना है, तो एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका क्या, एलसीएम निकालने का तरीका क्या, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, दिया हुआ है ऐसा HCF ब्रैकेट में दिया 306 कॉमा 657 इक्वल्स टू 9 लिखा है, फाइंड एलसीएम। देखो क्या किया है, HCF इन दोनों का कितना है 9 है ठीक है, अपन को एलसीएम निकालना है, तो तुम इन दोनों से भी एलसीएम निकाल सकते हो इस तरीके से 306 से और 657 से ठीक है, तुम क्या करोगे 306 कॉमा 657 और एलसीएम निकाल दोगे ठीक है, हाँ निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी सही है लेकिन मार्क्स अंडा ठीक है, मार्क्स अंडा क्यों मिलेगा, मार्क्स अंडा इसका मिलेगा क्योंकि अगर उसको ये पूछना रहता तो वो डायरेक्ट पूछता फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 समझ में, अगर उसको ये सवाल पूछना रहता तो डायरेक्ट ये पूछता, वो तुमको ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों दिया, समझ में आ रहा है ठीक है, वो चाहता है और वो चाहता है सर वो कौन ठीक है, अच्छा वो चाहता है, क्या चाहता है, वो चाहता है कि तुम फॉर्मूले का यूज करो, समझ में आएंगे, तो तुम्हारे यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा 306, बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 657 और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9, एलसीएम क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, समझ में आएंगे, तो तुमको कैसे निकालना है इसको, इसको निकालना है तुमको ऐसे ठीक है, HCF into LCM equals to A into B, समझ में आई है ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, HCF कितना दिया हुआ है 9, LCM को निकालना है equals to A कितना है 306 और 657 ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मेहनती हो, बहुत मेहनती इंसान हो तो अच्छी बात है, आप पहले इन दोनों को इंटू करिएगा फिर 9 से डिवाइड करिएगा ठीक है, लेकिन मैं हूं आलसी इंसान तो मैं इन दोनों को इंटू अभी नहीं करूंगा, आप लोग मेहनती हो तो आप पहले इसको इंटू करना फिर डिवाइड करना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं 9 3 27 9 4 36 ठीक है, एलसीएम क्या हो गया 34 इंटू 657 ठीक है, इन दोनों को इंटू करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ठीक है, तरह आप दोनों कर ही सकते हो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें ठीक है, आयोग ये समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट ठीक है, एक पॉइंट नोट कर रहा हूं, नोट एनसीईआरटी एग्जांपल के जब क्वेश्चन बनाओगे तब काम आएगा ठीक है, नोट क्या नोट करना है, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM ठीक है, चार पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है, आगे चल के अगर बैंकिंग बैंकिंग एग्जाम लोगे तो भी काम आएगा, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM मतलब LCM हमेशा HCF से डिवाइड होगा ठीक है, कोई सा भी दो नंबर उठा लो, मान लो मैं उठा लेता हूँ 6 और समझाने के लिए 9 ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 into 3, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 into 3, तो LCM क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 3 और LCM निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3 6 3 18 18 ठीक है, 2 3 3 9 3 1 3 3 1 1 18 18 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ ठीक है, तो हमेशा जो HCF आएगा ना, हमेशा जो HCF आएगा ना वो LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा ठीक है, मतलब कभी ऐसा नहीं हो कि LCM कुछ ऐसा आ जाए जो HCF को डिवाइड ना करे, समझ में, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि LCM हो गया 21 और HCF हो गया 6, ऐसे दो नंबर तुमको मिलेंगे, समझ में, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है, कैन देयर बी टू नंबर्स हूज हूज एच
HCl is 6 and LCM is 21. क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल है जिनका HCl 6 है और LCM 21 है? तो तुम लोग बोलोगे नो. क्यों? क्योंकि HCl इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM. ठीक है, गारंटी क्वेश्चन किसी ना किसी के स्कूल में आ गए आ गए. ठीक है, कैन देयर बी टू नंबर्स बोथ HCl इज 6 एंड LCM इज 21? तो तुम लोग लिखोगे नो, सिंस LCM इज नॉट अ फैक्टर, LCM इज नॉट अ फैक्टर ऑफ HCl, हेंस सिंस LCM इज नॉट अ फैक्टर ऑफ HCl, हेंस there can't be two numbers whose HCl is 6 and LCM is 21. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो वीडियो लंबा बन रहा है, एक छोटा सा और पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूं. तब तक तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये बना के लिखा बन जाएगा आज. ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.